अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ डॉक्टर रेक्विक की R7 ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा और इस ड्रॉप को आप किस किस काम पे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस R7 ड्रॉप हेपाटोपैथी और कोलोसाइस्टोपैथी यानी कि हार्ट और गॉल ब्लैडर के रोगों के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या रहती है और उस स्टोन के दौरान अगर गॉल ब्लैडर में दर्द रहती है तो उसके लिए इस R7 ड्रॉप बहुत अच्छी है। साथ ही साथ हेपाटाइटिस यानी कि लीवर में इन्फ्लामेशन, खाना खाने के बाद पेट में जलन, साथ ही साथ खाना खाने के बाद संतुष्टि नहीं होना और पेट में खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होना और इसके चलते पेट फूल जाना, साथ ही साथ पेट में दर्द, इस तरह की समस्या अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन के लिए इस R7 ड्रॉप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी बहुत पुरानी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है और उस कॉन्स्टिपेशन के चलते अगर आपकी पाइल्स की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए भी इस R7 ड्रॉप बहुत अच्छी है। अगर खाना खाने के बाद आपको अगर थकावट की समस्या रहती है, साथ साथ मुंह में खट्टा स्वाद, साथ साथ खट्टे डाका रहना, इस तरह की समस्या अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन के लिए इस R7 ड्रॉप बहुत अच्छी है। साथ साथ जॉन्डिस यानी कि पीलिया के लिए, साथ साथ गॉल ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, साथ साथ एनलार्ज लीवर यानी कि लीवर का बड़ा हो जाना, लीवर में स्वेलिंग, पेट में खिंचाव दर्द, इस तरह की समस्या के लिए आप इस R7 ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लीवर की समस्या, गॉल ब्लैडर की समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आपको नशा करने की आदत रहती है और उसके चलते अगर आपको लीवर की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए भी इस R7 ड्रॉप बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस ड्रॉप में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। इसमें डली हुई है कार्डियोस्मिनियस, चिलडोनियम, कोलेस्ट्रेनम, कोलोसिंथ, लाइकोपोडियम और नाक्स भूमिका। इस छः होम्योपैथिक मेडिसिन लीवर की समस्या और गॉल ब्लैडर की समस्या के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस ड्रॉप को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन के लिए इसको दिन में 6 बार इस्तेमाल करना होगा। आपको 7 बूंद 1/4 पानी के साथ मिलाना होगा और मिला के पीना होगा। और आपकी समस्या कम है तो उस कंडीशन के लिए दिन में 3 बार आपको 1/4 पानी के साथ 7 बूंद मिलाना होगा और मिला के पीना होगा। इस तरह से अगर आप इस ड्रॉप को आप 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बदहजमी, खट्टी डका रहना, पेट फूल जाना, सब साथ जॉन्डिस की समस्या, पेट में जलन, इस तरह की समस्या है वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात इतना ही। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।